सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फन का गुरु को और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को भी हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है अब्दुल कादिर, स्वागत है आपका हमारे चैनल फन का गुरु में। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में, जो एप्लीकेशन आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन है जिसको मैं मुँह कर रहा हूँ, यही एप्लीकेशन है। आप इसके लोगों को अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसका नाम अच्छी तरीके से देख लीजिए। दोस्तों, इसका नाम है बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी सारी सेटिंग के बारे में पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक आइकन दिखेगा कैमरे का, जैसे ही आप इस पर टिक कर लगाते हैं, टिक लगाने के बाद यहाँ पर सेकंड चालू हो जाएंगे। अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन की, इसलिए ये चालू नहीं हो रहा है। आप लोग बेफिक्र होकर इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद ये आपके मोबाइल में स्टार्ट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आप कभी कहीं जाते हैं और आपके साथ कोई लफड़ा हो जाता है या आपके साथ कोई ट्रेजडी हो जाती है, तो आप वहाँ पर मोबाइल निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसी जगह आपको जाना हो तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद करके अपनी जेब में रख लीजिए, अपने ऊपर वाली जेब में रखिएगा ताकि वीडियो रिकॉर्ड हो सके। इस एप्लीकेशन का काम यह है कि दोस्तों, ये बैकग्राउंड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। जो भी आप कर रहे होंगे, जो भी आप काम कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ ये रिकॉर्ड करेगा विद वॉइस, यानी वॉइस के साथ, आवाज़ के साथ आपकी वीडियो रिकॉर्ड करेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। आपको राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे नीचे की तरफ, आप उन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा रिपीट रिकॉर्डिंग नो लिमिट। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो लिमिट लगा सकते हैं कि कितनी लंबी आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। दूसरा ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा अपलोड टू गूगल ड्राइव। अगर आप इस पर टिक लगा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव पर अपलोड करेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर टिक लगाया है। अभी ये मेरी ईमेल आईडी को पिक करेगा कि मैं किस ईमेल आईडी पर अपना वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों, ऐसे मामले में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोबाइल टूट जाए, कहीं लड़ाई हो रही हो, आपका मोबाइल गुम हो जाए या आपसे मोबाइल छीन लिया जाए। तो उस केस में ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आप लिमिट सेट करके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक लिमिट होने के बाद आप अपलोड गूगल ड्राइव पर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, एनेबल पासवर्ड। आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन का पासवर्ड भी एनेबल कर सकते हैं। इस पर टिक लगा कर आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बाय शेकिंग फ़ोन, यानी आप इसको अगर ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो, और कहीं ऐसी जगह हैं कि आप अपना मोबाइल चालू नहीं कर सकते, अगर चालू करेंगे तो उनको शक हो जाएगा कि ये शायद कुछ कर रहा है, तो आप ऐसे केस में इस ऑप्शन को ऑन करके रखिए। ऑन करके रखने के बाद आप जब अपने मोबाइल को हिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। अब चलते हैं हम पाँचवें ऑप्शन की तरफ, स्टॉप बीप साउंड। यानी जब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो इसके अंदर बीप साउंड होता है, इसके अंदर कुछ टू टू की आवाज़ आती है। आप इस पर टिक लगाकर उसको भी बंद कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और दोस्तों, छठा ऑप्शन है इसके अंदर, एक्टिव द पावर बटन। आप इस ऑप्शन को चालू करके अपने पावर बटन से रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं, यानी अपना जो पावर ऑफ ऑन बटन है आप उसको दबा कर भी रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए चेंज ऐप आइकन। इस केस में यह फ़ायदा है कि आप अपने इस एप्लीकेशन के ऐप का जो आइकन है आप उसको चेंज कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये किस लिए एप्लीकेशन है।
तो दोस्तों और भी बहुत सारी सेटिंग है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। जो मेन मेन सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी। और दोस्तों बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, आपके बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।